हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और हमारा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी साइंस का सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम क्लास सिक्स और सेवन्थ कंप्लीट कर चुके हैं और एट्थ भी आज कंप्लीट हो जाएगा, क्लास एट्थ की साइंस की बुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, When an electric current flows through a conducting solution, तो जब भी किसी conducting solution से electric current flow होता है, तो क्या होता है उस solution में? एक chemical reaction होता है, and this is called chemical effect of the electric current. और इसको क्या बोलेंगे? Chemical effect of electric current. तो electric effect current का क्या होगा? इसको बोलेंगे chemical effect. Materials which allow electric current to pass through them, वह material जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए, तो उस मटेरियल उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। वहीं कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है अपने से पास होने के लिए, तो वो क्या हो गया? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ए फ्यू लिक्विड्स आर ग्रेट चैनल्स ऑफ पावर एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ लिक्विड है एक क्या है, एक मान लीजिए अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वही कुछ दूसरा जो लिक्विड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड बल्ब ग्लोज। जब किसी भी टेस्टर के दो एंड का जो के बीच में जो लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है अपने से पास होने में, तो क्या होता है उस टेस्टर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो वही दूसरी तरफ व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास, अगर वह जो लिक्विड है अलाउ नहीं कर रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, तो जो सर्किट होगा वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो लाइट इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ तो क्या होगा? बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ये आपका टेस्टर का वर्किंग हो गया एक तरह से। ठीक, इन सम सिचुएशन इवन द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। कुछ सिचुएशन में क्या होता है, लिक्विड कंडक्टिंग होते हुए भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। बल्ब ग्लो कैसे करता है? क्योंकि करंट में हीटिंग इफेक्ट भी हमने पढ़ा था। जब बल्ब का फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे हीट होने लगता है और जिससे उसमें ग्लो आ जाता है। हाउएवर द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक, अगर करंट पास हुआ है काफी वीक है, कमजोर है, तो फिलामेंट हीट नहीं हो पाएगा सफिशेंटली और फिर इसमें ग्लो नहीं आ पाएगा। तो ये कारण है कि पास होने के बावजूद, कंडक्टिंग लिक्विड होने के बावजूद भी ग्लो नहीं दिखता है, क्योंकि करंट जो पास हो रहा है वो काफी कम पास हो रहा है। तो कम पास हो रहा है तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा तो ग्लो नहीं कर पाएगा जो फिलामेंट होगा बल्ब का। ठीक है, अगर हम बात करें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या होता है, LED glows even where a weak electric current flows through it. LED क्या होता है? जब उससे कोई weak current भी pass करेगा ना, फिर भी वो glow करेगा। So there are two wires, दो wires होते हैं attached to an LED. LED में दो wires attached होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? Leads बुलाते हैं। One lead is slightly longer than the other. जो एक lead होता है, दूसरे से थोड़ा slightly longer होता है। While connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery. And a shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. ठीक है, जो हम कनेक्ट करेंगे एलईडी को, उसमें दो लीड होगा, दो वायर होगा, एक का लेंथ ज्यादा होगा, एक का लेंथ कम होगा। तो जो लॉन्गर लेंथ वाला लीड होगा उसे हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से। ठीक है, जो शॉर्टर लीड होगा उसे हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक, दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजली एज मेटल। अब चूंकि मेटेरियल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, बट मेटल के बराबर इक्विवेलेंट वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, तो हो सकता है सर्किट भले ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन चूंकि करंट जो कि मेटल तो है नहीं, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ज्यादा अमाउंट में, वीक होगा, तो वीक होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। When salt is dissolved in distilled water, salt solution is obtained, and this is conductor of electricity. जब किसी एक distilled water लेते हैं, उसमें salt dissolve करेंगे, तो क्या होगा? एक salt solution बनेगा, और ये salt solution क्या है? Good conductor of electricity होता है।
The water from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds are not pure. ठीक है, जो टैप हैंड पंप्स वेल और पॉन्ड्स का पानी होता है वो प्योर नहीं होता है. इट में कंटेंट सेवरल साल्ट, क्या होता है, बहुत सारे साल्ट होते हैं उसमें डिजोल्व होते हैं. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, तो वो नेचुरली प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट. ठीक है, दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या होता है ये जो पानी होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है क्योंकि इसमें साल्ट पार्टिकल्स है. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ साल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है इसमें कोई साल्ट नहीं होता है, क्योंकि साल्ट नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. बहुत सारा लिक्विड, जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो किसका सोल्यूशन होता है, तो एसिड्स का, बेसिस का एंड साल्ट्स का. एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर क्या है पुअर कंडक्टर है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. लेकिन लाइटनिंग टाइम में क्या होता है और एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है. बिकॉज पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में जो पुअर कंडक्टर होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है. इसलिए लाइटनिंग के टाइम में सिर्फ एयर क्या है अलाउ करता है करंट को पास होने में. अब देखते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल रिएक्शंस आर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर सॉल्यूशन. अगर कंडक्टिंग सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा. द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. और ये रिएक्शन डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्यूशंस और कौन सा इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन इलेक्ट्रोड्स, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जो करंट का केमिकल इफेक्ट है, जैसे कि क्या क्या इफेक्ट मिलेगा देखने को मिलेगा, तो गैस का, गैस बबल का फॉर्मेशन मिलेगा इलेक्ट्रोड्स पे. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे कुछ मेटल्स डिपॉजिट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेकर हम किसी एक मटेरियल पे जब किसी दूसरे मेटल के एक लेयर हम चढ़ाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स का, जहाँ पे हम यूज इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल. ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल. तो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग जो है वाइडली इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में, जहाँ फॉर कोटिंग मेटल्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल. तो अलग अलग मेटल का जब लेयर चढ़ाना होता है, कोटिंग करना होता है, तो वहां पे यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी. जिस मेटल को, जिस मेटल के लेयर को डिपॉजिट किया गया, उसके पास हमारे कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है जो हमें जरूरत होती है. विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लैक, जो मेन मेटल होता है वो लैक होता है. फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स. तो ये सब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या था, क्रोमियम प्लेटिंग किया जाता है. ठीक है, ज्वेलरी प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रो, जो ज्वेलरी प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल. तो जो ज्वेलरी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव मेटल लेते हैं, उस पर सिल्वर और गोल्ड का एक लेयर चढ़ा देते हैं. तो वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करते हैं. ठीक, आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट. अब आयरन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ब्रिज में या ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आयरन का ये टेंडेंसी होता है कि करोड करता है और रस्टिंग चालू हो जाता है. सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. तो क्या होता है, जिंक का एक कोटिंग, एक लेयर चढ़ाया जाता है कि उस पर आयरन पे, क्यों, उसको बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए, ताकि क्रोजन ना हो, उस पर जंग ना लगे, उसका रस्टिंग ना हो. ये भी कैसे होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन इज मेजर कंसर्न. समस्या क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में, कि जो यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन है उसको डिस्पोज करना है, ये बहुत चिंता का विषय है. इट इज अ पॉल्यूटिंग
वेस्ट एंड देर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो ये क्या है, पॉलिटिंग वेस्ट है और देर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस है जो फॉलो करना होता है एनवायरमेंट को बचाने के लिए. ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम एक मतलब एक लेयर को डिपोजिट करते हैं दूसरे मेटल पे. तो ये बिल्कुल सही है. तो कई पूछा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ये भी सही है, उसके आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट पूछा है आपसे. ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड अ करंट इज पास्ड बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड. तो ये बिल्कुल सही बात है, जब भी इलेक्ट्रोड्स वाटर में इमर्स करेंगे और करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बबल रिलीज होगा. ठीक है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा बोथ वन टू. Consider the following statements with reference to conductivity in a liquid. Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, bases and salts. The most liquid jo electricity conduct karti hai theek hai are solutions of acid, bases and salts. Sahi baat hai, acid base ya salt ka liquid hota hai. To ye sahi hai. Distilled water is free of salts and is a good conductor of electricity. Jab free of salt hai to good conductor kaise ho jayega, to ye bad conductor hota hai. To ye galat ho gaya, ye sahi hai. Kya puche aapse, करेक्ट पूछा है तो वन ओनली. ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तो गलत है, जो कॉपर और एल्युमिनियम है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. रबर प्लास्टिक एंड वुड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये उल्टा हो गया है, तो डी नाइदर, वन नॉट टू. विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट्स, LED light emitting diodes glow even when a weak electric current flow through it. जब weak electric current भी पास होगा ना, फिर भी LED glow करेगा. तो ये बिल्कुल सही बात है. During lightning, an electric current can pass through the air. तो ये भी सही है. इसका आंसर हो जाएगा क्या, C. Both one and two. ठीक. Practice question of mains क्या है? Explain the concept of electroplating and application. तो practice कर लीजिए इस question लिख के. ठीक है. तो ये था आपका chapter number 11. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है सम नेचुरल फेनोमेना. ठीक ठीक. नेचुरल फेनोमेना रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल इवेंट्स और प्रोसेसेस दैट अकर इन द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. तो नेचुरल फेनोमेना क्या होता है, वह इवेंट्स जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, और ये अकर होता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का. ठीक है, तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के होने वाले जो इवेंट होते हैं जिसको आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे नेचुरल फिनोमेना. दिस फिनोमेना आर रिजल्ट ऑफ वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सेव द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो ये जो फिनोमेना होता है ये किसका रिजल्ट है, बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस का ये रिजल्ट है जो हमारे अर्थ को सेव करता है और सराउंडिंग एनवायरमेंट को. लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग फिनोमेना. तो दो जो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइटनिंग और अर्थक्वेक, ये क्या दो एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग फेनोमेना का. ठीक है, लाइटनिंग पहले देखते हैं. इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लॉथ आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना. 1752 में 1752 में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया, दिखाया कि जो लाइटनिंग और जो स्पार्क फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े से जो स्पार्क निकलता है, ये एसेंशियली दोनों सेम फिनोमेना है. किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. ठीक है, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. तो लाइटनिंग भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ह्यूज स्केल पे, लार्ज स्केल पे. इट इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. ये कैसे फॉर्म होता है, बाय ऑफ द चार्जेस ऑन द क्लाउड्स. द क्लाउड में जो चार्जेस होते हैं तो उसके एक्युमुलेशन से ये लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. अगर बात करें लाइटनिंग कंडक्टर्स की तो ये क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर्स हेल्प टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स ड्यूरिंग लाइटनिंग. तो लाइटनिंग के टाइम में जो लाइटनिंग कंडक्टर्स अगर बिल्डिंग पे लगा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा बिल्डिंग को. दे कंसिस्ट ऑफ मेटल रड दैट इज टॉलर देन द बिल्डिंग. तो एक मेटल रड होता है जो कि बिल्डिंग से आपका क्या होगा, टॉलर होगा, विच इज इंस्टॉल्ड विद इन द वॉल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में वॉल्स के भीतर इंस्टॉल किया होता है.
They run all the way to the earth and act as a direct passage for electric discharge during lightning. तो ये क्या होता है, आपको डायरेक्ट अर्थ में मतलब ग्राउंड पे आपको इंस्टॉल किया हुआ होता है, जो कि एक डायरेक्ट पैसेज की तरह काम करता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए, कहाँ मतलब डायरेक्ट वो ग्राउंड में चले जाए। ठीक है, चार्ज एंड देयर इंट्रैक्शन, ये क्या बोल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं आप सभी को पता होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भागेगा, और जो अनलाइक चार्ज होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू अ गुड कंडक्टर्स टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से, अगर उसको अच्छा कंडक्टर मिल जाए तो कहां चला जाएगा, टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो क्यों कैसे होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है एक एटम से दूसरे एटम में। When objects lose their charge by transfer, they are known as discharged objects. जब ऑब्जेक्ट क्या होता है लूज कर जाता है अपना ट्रांसफर अपना चार्ज बाय ट्रांसफरिंग, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सिंपल सिंपल डिफिनेशन दिया हुआ है। The process of transferring charges from a charged object to the earth is called earthing. अब यही जो ट्रांसफरिंग चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ग्राउंड में, तो उसको बोलेंगे अर्थिंग, क्या बोलेंगे, अर्थिंग बोल देंगे। A device that can detect the presence of charge is called an electroscope. तो वह device जो charge के presence को detect कर सकता है उस device को क्या बोलेंगे, electroscope बोलेंगे। ठीक, charging by rubbing, ये क्या है, तो when objects like plastic gets rubbed with hair, जब plastic आप लीजिए और अपने hair से rub कीजिए तो it acquires a charge, ये क्या एक अपने ऊपर एक charge acquire कर लेगा। Similarly a glass rod gets charged when rubbed with a silk cloth. A glass rod को आप rub करो silk cloth से तो वो भी क्या होएगा, charged हो जाएगा। They get charged as they gain or lose electrons and that is why they can attract or repel the small pieces of paper depending on the type of charge they carry. जब हम rub करेंगे plastic को hair से या glass rod को silk से तो क्या होगा, वो charged हो जाएगा। कैसे, electrons को either वो gain करेगा या lose करेगा, और उसको rub करके आप एक small pieces of paper लो उस पर सामने ले जाओ तो क्या होगा, पेपर या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड कर रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है या लूज हुआ है। ठीक, द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है रब करके इसको बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। ठीक, ऑब्जेक्ट्स दैट कैरी अ चार्ज बाय मींस ऑफ रबिंग और अदर प्रोसेस आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। और जो जो ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है इस रबिंग प्रोसेस से तो उसको बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट्स और उस जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उस चार्ज को बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। तो जो बॉडी जो चार्ज हुआ है आइदर बाय रबिंग हो सकता है या फ्रिक्शन के थ्रू भी हो सकता है या इंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो रबिंग फ्रिक्शन के थ्रू या इंडक्शन के थ्रू, तो दो आपका तरीका हो गया चार्ज होने का। रीजंस बिहाइंड लाइटनिंग, लाइटनिंग के पीछे कारण क्या है, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म the air current move upward while the water droplets move downward. जब thunder storm आता है, जब तूफान वगैरह आता है तो क्या होता है, जो air current है air है वो move करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो water droplets है वो नीचे की तरफ आता है। These vigorous movements causes separation of charges. अब ये जो vigorous movement हो रहा है, rapid movement हो रहा है, इससे क्या होता है, charges separate होते हैं, separation होता है by a process not yet completely understood. The positive charge collect near the upper edges of the clouds. जो positive charge है वो ये कहाँ पर collect होता है, near the upper edges of the clouds, clouds के upper edge में जाके जमा हो जाएंगे। और जो negative charge है वो accumulate हो जाएगा near the lower edge. ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका cloud है, तो यहाँ पे आएगा positive charge, यहाँ पे negative charge. ठीक है, there is accumulation of positive charge near the ground also. ग्राउंड के पास भी क्या है, positive charge है. When the magnitude of accumulated charge becomes very large, ये अब जब ये accumulation बहुत large हो जाएगा, ठीक है, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist the flow. Poor जो कि electricity का poor conductor होता है, अब वो resist नहीं कर पाएगा इस flow को, क्योंकि यहाँ से flow करेगा, जो electrons है flow करना चालू करेगा नीचे, negative and positive charge meet करेगा, producing streaks of bright light and sound. स्ट्रिक्स ऑफ सीन एज लाइटनिंग, यही स्ट्रिक्स आपको लाइटनिंग के रूप में देखेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स।
और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, दो या दो से अधिक क्लाउड के बीच में आपस में हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड दो क्लाउड में हो रहा है या क्लाउड और ग्राउंड में भी के बीच में भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ऊपर में पॉजिटिव क्लाउड है, यहाँ पे नीचे नेगेटिव क्लाउड है, ग्राउंड पे क्या है पॉजिटिव क्लाउड है, ये जो आपका फ्लो होगा इस तरह से, ठीक है, तो करंट का फ्लो हो जाएगा। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ, जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक है वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मेजर्स लिया जाए ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। तो एक लाइटनिंग नेचुरल फेनोमेना था। जो दूसरा नेचुरल फेनोमेना हम देखेंगे यहाँ पे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, तो अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक क्या है, एक सडन ट्रेम्बलिंग होता है इसका सर्फेस ऑफ द अर्थ का, कंपन होता है अर्थ के सर्फेस का, क्यों होता है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस कुछ हुआ और सर्फेस में कंपन पैदा हुआ, ट्रेम्बल किया, इसे अर्थक्वेक आ गया। इट कॉजेज अ लार्ज स्केल डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये क्या कॉजेस करता है, एक लार्ज स्केल डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कॉज करता है। ये आपका अर्थ का इंटीरियर हो गया, बीच में आपका कोर होगा, ये आपका इनर कोर, ठीक है, ये बाहर वाला आउटर कोर, यहाँ मेंटल और यहाँ पे क्रस्ट। ठीक है, अगर बात करें अर्थक्वेक की मेजरमेंट की, पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल, जो अर्थक्वेक की जो पावर होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल, स्केल पे, एंड दिस स्केल इज कॉल्ड एज रिक्टर स्केल, और इस स्केल को हम क्या बोलेंगे, रिक्टर स्केल बोलेंगे। ठीक, रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, जो रिक्टर स्केल है वो क्या है, लीनियर नहीं होता है। दिस मीन्स एन इंक्रीज ऑफ टू इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, अगर रिक्टर स्केल पे दो बढ़ा इसका मतलब कि 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगा। देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, तो अगर 4 का, अगर 6 का आ गया इसका मतलब 1000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा 4 के कंपेरिजन में। ठीक, एन अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल इज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव, तो 7 से ज्यादा का अगर अर्थक्वेक आया तो मतलब समझ जाइए डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, The tremors produce wave on the surface of the earth and these are called seismic waves. तो जो tremor होगा ये क्या करेगा, waves produce करेगा earth के surface पे, जिसे हम कहेंगे seismic waves बोल देंगे। An instrument that records seismic wave is called seismograph. और instrument जो इसको record करेगा उसे कहेंगे seismograph. ठीक, Reason behind earthquake, reason क्या है, Earthquakes are caused due to the movement or collision of tectonic plates in the uppermost layer of the earth crust. तो earth crust के जो uppermost layer पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है या कोलिजन होता है, तो उस कारण से अर्थक्वेक कॉज होता है। अर्थ क्रस्ट इज फ्रेगमेंटेड एंड ईच सच फ्रेगमेंट इज नोन एज प्लेट, तो अर्थ क्रस्ट क्या है, फ्रेगमेंटेड पोर्शन में रहता है एंड ईच सच फ्रेगमेंट इज, उसको बोलेंगे प्लेट बोलेंगे। ठीक, दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, यह जो प्लेट्स है क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मोशन में होता है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और प्लेट गोज अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जब एक दूसरे पर रब करेंगे या एक प्लेट दूसरे के ऊपर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे अर्थ क्रस्ट में। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यही डिस्टर्बेंस क्या दिखेगा सर्फेस पे अर्थक्वेक के रूप में। ठीक है, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन वोल्केनो इरप्ट्स, अगर वोल्केनो का इरप्शन हुआ है तब भी आपको ट्रेमर्स देखने को मिल सकता है, या कोई मीटियोर हिट करेगा अर्थ पे तब भी अर्थक्वेक आ सकता है, या कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तभी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सब अलग अलग तरीका है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है। इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर, और ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया प्रेडिक्ट करने का कि कहाँ, कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि कब और कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, अगला अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, चूंकि अर्थक्वेक जो कॉज्ड होता है प्लेट के मूवमेंट कम होता है, जो प्लेट का बाउंड्री ये वाला एरिया होगा वो वीक जोन होगा जहां पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, द वीक जोन्स आर नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन, और उसी वीक जोन को बोलेंगे सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। ठीक है, इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो ये सब कुछ
इंडिया में पार्ट है जो थ्रेटेंड है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिस्मिक वेव्स, या जो अंदर वाला यहाँ जहां से जनरेट होता है उसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, और जो डायरेक्टली नॉर्मल ग्राउंड सरफेस पे होता है उसको बोलेंगे एपिसेंटर, या आपका अर्थ सरफेस हो गया, और ये जो वेव है उसको बोलेंगे सिस्मिक वेव्स। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू मेटल्स टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में मेटल्स के सहारे, तो ये सही है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। रब करने से जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज बोलेंगे, तो ये भी सही है। तो पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो सी हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो यहाँ भी करेक्ट पूछा है। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रेजेंस को कौन डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करेगा, तो ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। उसको क्या बोलेंगे, अर्थिंग बोल देंगे, तो ये भी सही है। तो सी बोथ वन एंड टू। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट और कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये सही है। टेक्टोनिक प्लेट से कोलिजन और मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है। ट्रेमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज वेन वोल्केनो इरप्ट्स और मेटियोर हिट्स द ग्राउंड। जब मेटियोर हिट करेगा ग्राउंड अर्थ पे या वोल्केनो इरप्ट करेगा तब भी ट्रेमर आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ वन एंड टू। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट पूछा, पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ रिक्टर स्केल। तो अर्थक्वेक का जो पावर होता है उसको एक्सप्रेस करेंगे हम रिक्टर स्केल के मैग्नीट्यूड के रूप में। सही है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। वह इंस्ट्रूमेंट जो जो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करेगा उसे हम कहेंगे सिस्मोग्राफ। ये भी सही है, तो बोथ वन एंड टू। ठीक, यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, लाइटनिंग इज एन ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। लाइटनिंग कनेक्टर ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के टाइम में बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, लाइटनिंग कंडक्टर करता है, तो ये सही है। यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मेंस, ये क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए इसका। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लाइटनिंग, गिव द रीजन बिहाइंड इट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर पे, लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज विजिबल टू द ह्यूमनॉइड। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वह हिस्सा है, वह मतलब फॉर्म है जो ह्यूमन आई को विजिबल होता है, दिखता है। इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। तो काफी फंडामेंटल एस्पेक्ट है, बेसिक एस्पेक्ट है हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस का, और काफी जो लाइट है क्रूशियल रोल प्ले करता है कि कैसे हम चीजों को देखते हैं अपने आसपास के, तो लाइट की वजह से हो पाता है। द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर इज नोन एज ऑप्टिक्स। जो लाइट और उसके बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक, ऑप्टिक्स इनकम्पासेस वेरियस फेनोमेना इंक्लूडिंग द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या बहुत सारा फेनोमेना को इनकम्पास करता है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन या पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। इट इज एन एसेंशियल फील्ड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइट इंट्रैक्ट्स विद लेंसेज मिरर्स प्रिज्म एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये क्या है, एक एसेंशियल फील्ड है। ठीक है, ये हमको हेल्प करता है समझाने में कि लाइट इंट्रैक्ट कैसे करता है लेंस के साथ, मिरर रख देंगे तो क्या होगा, प्रिज्म के साथ कैसे बिहेव इंट्रैक्शन होगा उसका, या कोई दूसरा ऑप्टिकल डिवाइस है तो लाइट कैसे इंट्रैक्ट कैसे करेगा इन डिवाइसेस से, ये हमको बताएगा ऑप्टिक्स। ठीक है, अगर बात करें लाइट की तो लाइट होता क्या है, तो लाइट इज अ एनर्जी दैट इनेबल्स पीपल टू सी। लोगों को इनेबल करता है, सक्षम बनाता है चीजों को देखने का, देखने के लिए। ठीक है, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज अ सन। तो लाइट कहाँ से इमिट होता है, उसका एक सोर्स होगा जैसे कि सन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। द वर्ड यूजुअली रिफर्स टू विजिबल लाइट। जब भी हम लाइट बोलेंगे तो क्या हुआ, वह लाइट जो विजिबल होगा दिखने योग्य है, विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ लाइट साइट। ठीक, आईज एलोन डू नॉट अलाउ पीपल टू सी। सिर्फ अकेला आंख होने से ये मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि हम चीजों को देख ही ले। लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, एक सोर्स से लाइट आया किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल किया गिरा एंड देन बाउंस ऑफ ऑन टू द आई, फिर वो जो लाइट रिफ्लेक्शन हो गया हमारी आंखों पे गिरेगा
तभी हम उसको परसीव कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, उस किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट। तो मिरर क्या करता है, लाइट के डायरेक्शन में जो उसका फॉल करता है उसको चेंज करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑफ सर्फेस। किसी भी सर्फेस पे फॉल करेगा लाइट, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे गिरा तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। एनी सर्फेस दैट इज रियली वेल पॉलिश्ड, अगर सर्फेस कोई वेल पॉलिश्ड है, कोई शाइनी है, तो मिरर की तरह काम करेगा। दिस फिनोमेनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इस फिनोमेना को जो लाइट गिरा और जो उसका बाउंस बैक किया उसको कह देंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये मान लीजिए आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका फॉल किया लाइट, तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। चाहे आई बोल देंगे रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड द रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा उसे कह देंगे आर रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये आपका हो गया सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने एक ड्रॉ कर दिया क्या, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल, ठीक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, तो इसके बीच का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे आई, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर क्या होगा, ये जो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल के बीच के, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा इसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ आई जो क्या होगा आर के बराबर होगा। एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। और जो इंसिडेंट रे है ये आपका हुआ फॉल हुआ इंसिडेंट रे, और जो नॉर्मल है ये नॉर्मल हुआ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। सभी क्या होगा एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। यहीं पे समझाया गया है डायग्राम से, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ऐसे फॉल किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इसको हमने कह दिया एंगल आई, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इसको हम कह दिया आर, तो आई इज इक्वल टू आर। यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो क्या क्या होता है, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सर्फेस लाइक ए मिरर दैट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कोई स्मूथ सर्फेस जैसे कि मिरर हो गया, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या करता है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और उसे हम कह देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे गया इस प्रॉपर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो यहाँ पे करते हुए मिलेगा। एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इररेगुलर सर्फेस आर नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जब भी सारा पैरेलल रेज क्या है, जब फॉल करेगा उस इररेगुलर सर्फेस पे या रफ सर्फेस पे, तो जितना भी रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं होगा, और इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई फेलियर नहीं हो रहा, इट इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। ये कारण किस कारण से हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस में इररेगुलरिटीज के कारण, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये तो पैरेलल है, लेकिन इसे जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ये पैरेलल नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सर्फेस है ये अनइवन है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे जहां फॉल हो रहा है वहां पे अलग अलग नॉर्मल आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं दिखेगा आपको। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, when an image is formed by a mirror the left of the object appears on the right and the right appears on the left and this is known as lateral inversion. jab bhi aap kisi mirror mein apne aap ko dekhenge image dekhenge to kya hoga, jo object ka left hoga wo right mein dikhega us image mein, aur jo object ka right hoga
वो लेफ्ट दिखेगा, इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्सल। ठीक, फिर एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ये क्या होता है, टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो दो मिरर्स हम लेंगे और उसको इंक्लाइन करके रख देंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल इमेज फॉर्म करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्मड। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेगा, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ठीक है, तो आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज, ये जो आइडिया होता है कि कितना इमेज फॉर्म करेगा मिरर्स के द्वारा, किस एंगल पर प्लेस करेंगे तो कितना इमेज फॉर्म करेगा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैलिडोस्कोप में, टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाने के लिए, न्यूमरस पैटर्न्स बनाने में कैलिडोस्कोप में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जो लाइट है वो स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है अपने कंपोनेंट कलर्स में, इसे कह देंगे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो क्या है, रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेनन शोइंग डिस्पर्सन। क्लियर है, चलिए देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। तो आई क्या है, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। द ह्यूमन आई इज स्फेरिकली शेप्ड सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या है, स्फेरिकली शेप्ड सेंस ऑर्गन है, दैट गिव्स द सेंस ऑफ साइट एंड हेल्प्स ह्यूमंस परसीव कलर्स एंड डेप्थ। ठीक है, अगर बात करें फंक्शनिंग ऑफ आई की, ह्यूमन आई की, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड द कॉर्निया। जो लाइट है वो इंटर करेगा हमारे आंखों में थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज, जो बाहर की तरफ निकला होता है ट्रांसपेरेंट बल्ज हमारे आंखों के बाहर, उसके कह देंगे कॉर्निया बोल देंगे। ठीक है, आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल, जो पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, तो कह देंगे आयरिस। And this iris controls the amount of light entering the into the eye. हमारे आंखों में कितना light enter करना चाहिए, कौन control करेगा, iris control करेगा। The pupil is the small opening in the center of the iris. Iris के center पे जो small opening होता है, इसे हम कह देंगे pupil कह देंगे। The lens which is behind the pupil helps to adjust the focal length required to clearly focus on objects at various distances. जो pupil के पीछे क्या होता है, lens होता है, वो help करता है focal length को adjust करने में, और जिससे हमको हेल्प मिलता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पर डिस्टेंस पर रखे हुए उसको क्लियरली हम फोकस कर पाए, उसको देख पाए। ठीक है, द रेटिना क्या होता है, द रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेजेस गेट फॉर्म, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो रेटिना बेसिकली क्या है कि स्क्रीन है। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन विद अ लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। तो जो आपका ये रेटिना होता है बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं, कॉन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं। ठीक, अगर बात करें कॉन्स के बारे में, तो कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कॉन्स जो है आपको ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, और जो रॉड्स होता है सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, अब कॉन्स क्या करेगा, कलर को सेंस करेगा। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। और जो ऑप्टिक नर्व होता है ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, कहां से कहां तक, फ्रॉम द आई टू ब्रेन तक पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। ठीक है, जहां पे जंक्शन होता है ऑप्टिक नर्व का और रेटिना का, वहां पे कोई सेंसरी सेल नहीं होगा, सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। इसलिए स्पॉट पे कोई विजन पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, इसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो ये आप देख सकते हैं ह्यूमन आई, यहाँ पे आपका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको बोलिए कॉर्निया। ठीक है, फिर कॉर्निया के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका ये लेंस होगा अंदर में, ये आपका साइड वाला जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे आइरिस, ये होगा सिलरी मसल। ठीक है, ये हो गया रेटिना इमेज, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व हो गया। विजुअल डिफेक्ट्स देखते हैं। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाई। तो आई एक ऐसा अनोखा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है क्लियरली देखने में चीजों को, चाहे कितना ही पास में हो या दूर हो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज, और ये एज के साथ डिपेंड वेरी करते रहता है कि मिनिमम एज मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जो ऑब्जेक्ट देख सकता है आई से। ठीक है, तो डिपेंड करता है एज के। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद द नॉर्मल आई
इज अबाउट 25 सेंटीमीटर. तो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या होगा जो एक आदमी नॉर्मल आदमी आसानी से रीड कर सके नॉर्मल आई से, तो वो होगा 25 सेंटीमीटर. द विजुअल डिफेक्ट्स इंक्लूड द इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स और द इनएबिलिटी टू सी फार ऑब्जेक्ट्स. अगर किसी में डिफेक्ट हो जाएगा तो डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डिफेक्ट जहाँ पे आप पास की चीजों को नहीं देख पाएंगे और एक डिफेक्ट जो आपका दूर की चीजों को नहीं देख पाएंगे. इन ओल्ड पीपल द लेंस बिकम्स क्लाउडी, ए कंडीशन कॉल्ड कैटरैक्ट दैट इंपेयर्स विजन. ओल्ड पीपल में जब बूढ़े लोगों में क्या होता है लेंस जो है क्लाउडी बन जाएगा और उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, जिससे जो विजन है दृष्टि है वो इंपेयर हो जाएगा. ठीक है, ब्रेल सिस्टम क्या होता है. द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल. द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए क्या है, ब्रेल सिस्टम है. ब्रेल ब्रेल इज सिस्टम टू रीड एंड राइट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो जो आंखों से देख नहीं सकते हैं तो उसको अगर पढ़ना है लिखना चाह रहे हो तो ब्रेल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स. ये क्या है, 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स से बना होता है. दीज पैटर्न्स आर एम्बॉस्ड इन अ ब्रेल शीट्स एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टच. जो टच करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, द डॉट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर टू टच. द डॉट्स है उसको रेज किया जाता है, उठाया जाता है सरफेस से ताकि आप उसको टच करना आसान हो. ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स. पहला क्वेश्चन है कौन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. तो ये तो गलत है, कौन सेंसिटिव होता है आपको ब्राइट लाइट के लिए. ठीक है, ये गलत हो गया. रट्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तो ये उल्टा हो गया है. तो दोनों ही इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, बोथ वन एंड टू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सर्फेस लाइक ए मिरर दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. सही बात है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे अगर प्रॉपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाएगा मिरर की तरह, ये सही है. एंड द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल. रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे नॉर्मल कहेंगे, तो ये भी सही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू. करेक्ट पूछा है फिर से ब्रेल सिस्टम के बारे में. इट इज सिस्टम टू रीड एंड राइट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उसके लिए पढ़ने और लिखने का एक तरीका है, तो ये सही है. इट कंसिस्ट ऑफ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स. तो ब्रेल सिस्टम में क्या है, 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है. इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, बोथ वन एंड टू. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या बोल रहा है, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. जो आइरिस है वो कंट्रोल करेगा लाइट कितना इंटर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सही है. द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू ब्रेन. आई से ब्रेन क्या पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन, ऑप्टिक नर्व, तो ये सही है. ठीक है, तो इनसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा, बोथ वन एंड टू. यहाँ भी करेक्ट पूछा है. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू कंप्लेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन. बिल्कुल सही बात है, लाइट का जो ब्रेकिंग होता है स्प्लिटिंग होता है अपने कंप्लेंट कलर में तो उसको बोलेंगे डिस्पर्शन, तो ये सही है. रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमेनन शोइंग डिस्पर्शन. तो रेनबो क्या है, रेनबो क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है. जो कौन सा फिनोमेना शो हो रहा है, डिस्पर्शन फिनोमेना, तो ये भी सही है. इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू. ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मेंस. एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड फंक्शन. आपको एक्सप्लेन करना है ह्यूमन आई उसके फंक्शन को. Explain the concept of reflection with several examples. ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर, लास्ट चैप्टर इस क्लास का, क्लास 8 साइंस का. आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा. अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा इस चैप्टर पे, इस क्लास 8 पे बेस्ड MCQ वीडियो, ताकि आप उसको देख के रिवाइज कर सके. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.